इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का हार्दिक है। दरअसल हम सबको एक बुरी आदत लगी हुई है कि हम दूसरों की मदद की तवक्को तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर हम किसी की मदद नहीं करना चाहते। बहुत कम खिदमत करके उसके बदले बहुत कुछ की उम्मीद करते रहते हैं। हमें लगता है कि मैं बहुत कुछ माशरे के लिए कर रहा हूं, जिसके बदले उसे माशरा कुछ नहीं दे रहा। पर यह गलत है। हमें अपने आप को उस मकाम तक पहुंचना होगा जहां दुनिया मजबूर हो जाए कि तुम्हें अपना कायद या तो आप अपना लीडर तस्लीम करें। यकीनन हम कयामत के आखिरी दौर में जी रहे हैं। फितने बारिश के बूंदों की तरह बरस रहे हैं और जिंदगी में हमेशा दो रास्ते आपके सामने आते ही रहेंगे। सही गलत, अच्छा बुरा, रुपया पैसा, इज्जत दौलत, जिंदगी मौत, बीमारी शिफा, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। पर हम कभी अल्लाह की तरफ रुजू होना नहीं चाहते। अगर कोई अमीर बन भी जाता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। उसकी रोजी दौलत से बरकत की दुआ करने की बजाय तंज करते हैं कि किसी की तो गर्दन मार कर इसने कमाया होगा। यकीनन अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेहिसाब रिस्क देता है। क्या आज की तारीख में किसको दौलत नहीं चाहिए? उल्टा सीधा हराम हलाल किसी भी तरह का हो, पैसा चाहिए। सब कुछ करने के लिए हर कोई तैयार है, इसके बावजूद पैसा कुछ ही लोगों के पास है। और ये बात और है कि जो अल्लाह ताला ने जो दौलत दी है, जो पैसा दिया है, इसका हक अदा वो कर रहा है या नहीं? अक्सर लोग पैसा तो आ जाता है लेकिन उसका हक अदा नहीं करते। इसलिए कि जो अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया हुआ है उसमें गरीबों का हक है, गरीबों में तकसीम होना चाहिए। अक्सर लोगों का कहना यह है कि ये कमाई मेरी है, मैंने अपनी अकलमंदी से और होशियारी से कमाया, और इसी चक्कर में हराम हलाल की तमीज किए बगैर कमाता रहता है। पर इसे मालूम नहीं रहता कि अगर वह गलत रास्ता इख्तियार न भी करता तो उसे वो दौलत हासिल होने ही वाली थी। इसी तरह अपनी नेकियां किसी और को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहरा कर जाया करता रहता है। हर एक को ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकलमंद हूं पर दुनिया मेरी कदर नहीं कर रही। दौलत रिस्क मुकद्दर है पर शोहरत मर्तबा मुकद्दर नहीं होता, बल्कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे मर्तबे को बढ़ाते रहते हैं। किसी को लगता है कि शायद मेरे पास दौलत होती तो मैं भी फरा खिदमत खल्क का काम करता या गरीबों में तकसीम करता, लेकिन अल्लाह किसी किसी के ही किस्मत में दौलतमंद होना लिख देता है। और अगर वैसे भी दौलत आ जाती तो ये भी वही काम करता जो दूसरे दौलतमंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अचानक कोई अमीर बन जाता है, कोई पैदाइश अमीर होता नहीं है, कोई अमीर होने के बाद गरीबों में सदका खैरात करता रहता है और कोई बहुत दौलतमंद होने के बाद भी बखील रहता है। आपने ऐसे भी वाक्य देखे होंगे, अमीर करोड़पति की मौत किस तरह इबरतनाक होती है। ऐसी जगह पर मौत आ जाती है जहां उसका कोई भी पहचानने वाला नहीं रहता, कोई रिश्तेदार नहीं रहता, बड़ा सियासी कायद बड़ा कारोबारी बना घूमता रहता है, पर मौत आती है तो तमाम दौलत छोड़कर चला जाता है, उसकी मैयत इबरत बन जाती है। आपने देखा होगा मेरा किस तरफ इशारा है। बीमारी महज बहाना है, तुम चाहे जितना अपने आप को बंद किले में महफूज रखो, अगर मौत तुम्हारी तय है तो फरिश्ते तुमने मास्क पहने हैं या नहीं, या हाथ को सैनिटाइज किया है या नहीं, ये नहीं देखेंगे। एक इत्तला के मुताबिक अक्सर लोगों की मौत डर से हुई है, बीमारी से नहीं। कहते हैं कयामत के करीब इंसान के ईमान पर शैतान डाका डालता है। शैतान का मकसद यही होता है कि किसी तरह इसको अल्लाह के डर से गाफिल करूं और दिगर बीमारियों का डर इसके अंदर डाल दूं, और शैतान कामयाब हो गया। दज्जाली फितनों ने काम आसान कर दिया, हमारे जहनों को मीडिया टीवी मोबाइल ने अपने कब्जे में कर लिया है। जब तक हमें घरों में रहने के लिए खबरों के जरिए नहीं बताया जाता तब तक हम घरों में बैठे रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे। हमारा जहन किसी और के कब्जे में है। कई ऐसे डॉक्टर्स भी आए और उन्होंने बीमारियों को साजिश बताया। जब तक चारों तरफ से झूठ चीख रहा हो तो सच्चाई की आवाज दब जाती है। यह भी याद रखना जरूरी है कि आवाज दब जाती है पर मरती नहीं है। लाखों लोग किसी बात का इनकार कर रहे हैं तो करोड़ों हिमायत भी करते रहते हैं। हक के साथ बहुत कम लोग होते हैं, झूठ हमेशा कसीर तादाद में रहता है। फिर मैं उसी बात पे आता हूं, अगर वाकई आप गैरतमंद है और आप सही राह पर होने का यकीन है तो हालात आएंगे, आप अकेले हो जाओगे। और अगर आपको अकेले होने का डर है तो आप हक के साथ खड़े होने की कोशिश मत करो। हमेशा तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है। आप बहाने या कहानियां ना बनाओ और कहानियां मत सुनाओ कि आप कितने हक परस्त है। तारीख के औराक लिखेंगे
कौन सही है और कौन गलत है, अपने आप को देखना है। अपनी तारीफ खुद करने की बजाय बेहतर है कि हमारे बारे में लोग अच्छा कहे। अगर हम भीड़ से हटकर अपना अलग मकाम बनाना चाहते हैं तो मुश्किलात मुसीबतों से टकराना सीखो, ना कि किसी और के सर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ो। इसलिए कि कहा जाता है कि गलतियां नाकामी को बहादुर लोग तस्लीम कर लेते हैं और इन्हें सुधार कर आगे बढ़ते हैं, और बुजदिल और नाकाम शख्स हमेशा अपनी नाकामी को दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, आदाब।